हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। टाउन हॉल 16 हमारे गेम में यहां पर अनलॉक हो चुका है और स्नीक पीक्स एक के बाद एक आना शुरू भी हो चुकी हैं। रेड थीम हम लोगों को यहां पर देखने को मिली है टाउन हॉल 16 की, जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था। ब्लैक थीम जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था वो तो गलत साबित हुई, लेकिन रेड थीम के बारे में जो मैंने तुम लोग को इस वीडियो में बताया था वो बिल्कुल बिल्कुल सही बताया था और प्रेडिक्शन भी मेरी बिल्कुल सही थी कि जैसे एलेक्स रोग क्लैश ऑफ क्लैंस के डिज़ाइनर उन्होंने जो शर्ट पहनी हुई थी उसके ऊपर भी जो हम लोगों को नोकीली चीज़ें देखने को मिल रही थी चारों तरफ से टाउन हॉल के, मतलब जो एजेस थे उसकी तरफ से हम लोग को जो चीज़ें देखने को मिल रही थी वो भी इसी टाउन हॉल की तरफ सेम नज़र आती थी। और यहाँ पर जो ऐप स्टोर पे जो मैंने तुम लोग को बैक साइड से दिखाया था वो भी सेम टू सेम इसी तरह यही टाउन हॉल पर देखने को तुम लोग को मिल रही थी यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें भाई यहाँ पर अपने चीज़ों की, क्या क्या चीज़ें नई यहाँ पर हमारे गेम में आई हैं, तो अभी स्नेक पीक्स आने की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शुरुआत हुई है, मतलब शुरू हुआ है स्नेक पीक्स आना और बहुत सारी चीज़ें आना अभी बाकी हैं। जैसे कि ट्रुप्स के नए लेवल्स आएंगे अभी यहाँ पर हमारे पास, हमारे हीरोज़ के सबके 5-5 लेवल और इंक्रीज़ होंगे यहाँ पर, और नए डिफेंसेस भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। और होप सो शायद इसके चांसेस कम हो सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा नया ट्रुप्स, हम लोग को यहाँ पर बहुत ही कोई पावरफुल किस्म का नया ट्रुप भी हो सकता है हम लोग को देखने को मिले। जहाँ तक बात करें हीरोज़ की पैट की, तो तुम लोगों ने कुछ अर्सा पहले यहाँ पर एक फॉक्स को भागते हुए देखा होगा जंगल की तरफ से, होप्स हो मुझे यहाँ पर अभी नज़र भी आ जाए। और वो जो फॉक्स था वो हो सकता है हमारा कोई नया पैट हो और वो भी कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकता है फिलहाल। और जहाँ तक बात करें नए डिफेंसेज की, तो भाई यहाँ पर क्लैश ऑफ क्लैंस ने दो नए डिफेंसेज इंट्रोड्यूस करवाए हैं हमारे टाउन हॉल 16 के रेड थीम के साथ मैच करते हुए। हम लोगों को जो नए डिफेंसेज देखने को मिले उसमें नंबर वन जो है वो है रिकोशेट कैनन। रिकोशेट कैनन का काम जो है वो यहाँ पर है कि भाई तुम लोगों को यहाँ पर सिंपल जाके उसको शॉप से खरीदना पड़ेगा। 20 मिलियन का तुम लोग को यहाँ पर मिलेगा, सस्ता कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। और अगर 20 मिलियन नहीं है तो भाई यहाँ पर तुम लोगों को कहीं ना कहीं से जुगाड़ करनी पड़ेगी। वैसे टाउन हॉल 16 वालों के पास अभी जमा करके सबने रखे हुए होंगे, तो यहाँ पर 20 मिलियन के तुम लोग को वो शॉप से चीज़ मिलेगी, तुम लोग उसको लेकर आओगे अपने होम विलेज पर और फिर उसके बाद तुम लोगों को मर्ज करके उसको एक रिकोशेट कैनन बनाना होगा। तुम लोगों को जैसा याद होगा मल्टी आर्चर टावर के साथ भी हमारे साथ यही हुआ है, उसको भी यहाँ पर तुम लोग को शॉप से जाके खरीदना पड़ेगा और दोनों को जाके मर्ज करके बनाना होगा। जैसे तुम लोगों ने अगर हैमर जैम की पूरी वीडियो गौर से और सही से देखी और समझी है तो तुम लोग को समझ आ जाएगा कि भाई क्या उसमें नज़र आ रहा था कि दो आर्चर टावर थे उसको उसने मर्ज किया हथौड़ा मार के और एक बड़ा आर्चर टावर बन गया और यहाँ पर हम लोग को एक मल्टी आर्चर टावर देखने को मिला। और यहाँ पर भी टाउन हॉल 16 में सबसे पहली स्नीक पीक में जो इंट्रोड्यूस करवाई गई ये चीज़ वो यहाँ पर यही है। और अपने डिफेंसेस के नए लेवल्स हैं, जैसे डिफेंसेस के नए लेवल्स में अगर हम लोग बात करें तो बॉम्ब टावर और यहाँ पर अपना एक्सबो और कैनन और अपने आर्चर टावर्स के नए लेवल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले हैं। और अगर हम लोग बात करें कि भाई यहाँ पर इसके एचपी कितना होगा, डीपीएस कितना होगा, तो डैमेज पर सेकंड इसका जो है भाई वो यहाँ पर थोड़ा सा लो है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आर्चर टावर। लेकिन जैसा अगर तुम लोग इन्फर्नो को जानते हो कि इन्फर्नो की दो यहाँ पर टाइप्स होती है, एक सिंगल और एक मल्टी, इसी तरह यहाँ पर भी यही है कि अगर तुम लोग उसको मतलब अगर तुम लोग इन्फर्नो को सिंगल पर रखते हो तो भाई वो कितना ज़्यादा उसको एक चीज़ को अटैक करते करते जैसे पैका को अटैक कर रहा तो एक वक्त आता है उसकी लेयर बहुत मोटी हो जाती है और वो पैका को एक झटके में ख़त्म कर देता है। इसी तरह यहाँ पर मल्टी आर्चर जो है अगर तुम यहाँ पर मल्टीपल ट्रुप्स आर्चर टावर पर डिप्लॉय करोगे तो वो मल्टीपल ट्रुप्स को यहाँ पर अटैक करेगा और बहुत जल्दी उनको टेक डाउन भी करेगा। उस पर आर्चर्स की तादाद जो होती है वो बढ़ जाती है और तीनों चारों आर्चर्स एक ट्रुप को नहीं अलग अलग ट्रुप को मार रही होती है और यहाँ पर हम लोग को बहुत अच्छा डीपीएस देखने को मिलता है। जहाँ तक बात करें हिट पॉइंट की, तो हिट पॉइंट की बात यहाँ पर यह है कि हिट पॉइंट भी यहाँ पर हम लोग को नॉर्मल आर्चर टावर से इंक्रीज करके दिखाया, जो कि एक अच्छी बात है कि अगर उसको तोड़ने में देर लगती है और इतने में हमारी सारी की सारी आर्चर उन ट्रुप्स को डिस्ट्रॉय मतलब मार देती हैं तो ये हमको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बात करें रिकोशेट कैनन की, तो उस पर जो हम लोग को चीज़ देखने को मिली है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कैनन जो है अपनी वो यहाँ पर अटैक करेगी और उसका जो मतलब बॉल जो अटैकिंग की होती है, मतलब एक जाइंट है, दो जाइंट एक साथ डिप्लॉय किया तुमने तो पहले जाइंट से वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे जाइंट पर बॉम्ब मतलब जो उसका जो अटैकिंग चीज़ होती है बॉल वो डिलीवर हो जाएगी दूसरे जाइंट पर और उसको भी डैमेज पहुँचाएगी और खूब सारा डैमेज पहुँचाएगी। तुम लोग इसका डैश की स्पीड ले लो कुछ अपने जाइंट कैनन से, यहाँ पर बिल्डर हॉल में जो तुम लोग को नज़र आती है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है
काम करती है, लेकिन यह है कि उसका जो अटैक होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसका अटैक यहाँ पर तुम लोग को रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आएगा। तो ये दोनों के दोनों डिफेंसेस हमारी स्नीक पीक वन में हम लोग को देखने को मिले और बहुत ही ईपिक है दोनों के दोनों डिफेंसेस, और वॉल्स भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली है। देखते हैं आने वाली स्नीक पीक्स में हम लोग को क्या देखने को मिलता है। जब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, होप सो तुम लोगों ने सबने कर दिया होगा, 86% लोग विदाउट सब्सक्राइब करे वीडियो देखते हैं यार, तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।